कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। सिब्बल ने ट्वीट करके कहा कि राहुल ने कहा है कि हम बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का बचाव करते हुए जीत हासिल की, वहीं मणिपुर में सरकार गिराने पर कांग्रेस का बचाव किया। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि पिछले 30 सालों में कभी भी किसी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में उन्होंने बयान नहीं दिया और फिर भी हम बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा साहब जुड़ चुके हैं। उमाकांत जी, स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से ये खत के बारे में अब ये बात उठाई है, राहुल गांधी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं यहां बीजेपी से साठ गांठ है, उसके आरोप लगाए हैं इन्होंने, जो इन लोगों ने ये खत लिखा है उन पर, आपका इस आरोप को लेकर क्या कहना है, जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्यों राहुल गांधी ने ऐसा कहा और ये मसला किस ओर जाता हुआ? देखिए, पिछले एक डेढ़ महीने से ये पत्र की बात हो रही है कांग्रेस संगठन के भीतर, जो कांग्रेस के जो लीडरशिप है, वरिष्ठ नेता हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, वो लगातार ये इस तरह की गॉसिप्स कांग्रेस के सर्कल में चल रही थी। और जो राज्यों में जो संकट हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में संकट हुआ, राजस्थान में संकट हुआ, ये सारे संकटों को पीछे यही लग रहा था कि कोई ना कोई एक ग्रुप्स बने हुए हैं पार्टी के भीतर, वर्टिकल कोई डिवीजन है ग्रास रूट से लेकर के ऊपर तक, जो सारे जो ये जो कारक है, ये कारक मिलकर के कोई ऐसी कांग्रेस के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। और जहां तक आपने जो सवाल पूछा है कि ये जो पत्र को लेकर के जो राहुल गांधी ने पत्र लिखने वाले दो दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह से नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो इसमें मेरा ये कहना है कि देखिए, ये जिस पत्र से तो ये संदेश गया है पूरे कांग्रेस संगठन के भीतर और कांग्रेस संगठन के बाहर कि सोनिया गांधी अस्वस्थ है, वो आज नहीं तो कल कोई पद अपना पद को छोड़ेंगी, उनको त्यागना होगा क्योंकि वो इंटरिम प्रेसिडेंट है। ऐसी सूरत में नेतृत्व परिवर्तन तो होना ही है, चाहे दो महीने बाद हो, एक महीने बाद हो। तो ऐसी स्थिति में इस पत्र की जो पृष्ठभूमि है वो ये बताती है कि राहुल गांधी दोबारा टेक ओवर ना करें कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट की पोस्ट को, तो उनको रोकने के लिए ये चेष्टा की गई। और इससे ये मैसेज कांग्रेस संगठन के बाहर गया, जो बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से अब ट्विटर के जरिए जवाब हो रहे हैं, ट्विटर के जरिए सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब दिए जा रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब जो अंडर अटैक थे, वो आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में वो अंडर अटैक थे, उनको शुरुआत में बोलने नहीं दिया गया, उनको कहा गया कि आप बाद में बोलेंगे। उन्होंने बल्कि कहा कि अगर ऐसा आरोप साबित हो जाता है कि मैं कांग्रेस के बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो मैं राजनीति से हट जाऊंगा या इस्तीफा दे दूंगा। तो ये जो समस्याएं खड़ी हो रही है, ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को राहुल गांधी वर्सेज अदर्श, ये जो संदेश गया है, ये संदेश निश्चित रूप से इसने पार्टी के कैडर को, संगठन को एक तरह से हिला करके रख दिया है। और मैं तो ये मानता हूं कि राहुल गांधी पिछले एक साल से जब कांग्रेस पार्टी की हार हुई लोकसभा चुनाव के बाद में, तब से लेकर के अब तक जिस तरह से वो राजनीति में भी है, कांग्रेस के मामलों में दखलंदाजी भी दे रहे हैं, उनको कांग्रेस में रुचि भी है, कांग्रेस को की चिंता भी है, कांग्रेस में जो आंतरिक संकट होते हैं तो वहां उनकी पूछ होती है, पूछा जाता है, वो निर्णय भी लेते हैं पर्दे के पीछे, अपनी मां को कोऑपरेट भी करते हैं। लेकिन जो आज हालात है, हालात वो, और वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी नहीं बनना चाहते, वो ये भी कह रहे हैं। तो बहुत से सवाल, बहुत से यहाँ पर मुद्दे, यहाँ पर नेतृत्व के मुद्दे को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, लेकिन कहीं ना कहीं चिट्ठी पर भी यहाँ पर सवाल जवाब होने लग गए हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाए, वहीं कपिल सिब्बल का भी इस पर रिएक्शन आता हुआ, तो सवाल कहीं ना कहीं बड़ा यही खड़ा होता है कि ये पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस ही है या फिर कुछ और। उमाकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।